बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद अली एंड आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज बाय अहमद यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में हम विजिट करेंगे ब्रांड न्यू 10 मल्ला डिजाइनर हाउस का, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी जो लोकेशन है वो है बहरिया टाउन, फेज ए, रावलपिंडी। एंड इसके अलावा इसकी जो डायमेंशन है वो है 35x70। ब्रांड न्यू 10 मल्ला का हाउस है और 2 स्टोरेड ओपन हाउस है। ये साइड पे गली भी दी गई है। इसके अलावा क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आउटस्टैंडिंग किस्म की है, A+ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। इसका जो इंटीरियर है बहुत अमेजिंग किस्म का डिज़ाइन हुआ हुआ है और इसके अलावा जो फ्रंट एलिवेशन है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। तो ये प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस है। आप चाहें तो एक पोर्शन में खुद भी रह सकते हैं और आप एक पोर्शन को ईजिली रेंट आउट भी कर सकते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी A+ है, इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की है। तो वीडियो आपने कंप्लीट एंड तक देखनी है। इसके अलावा गैस, बिजली, पानी जैसी तमाम तरह सहूलियात यहाँ पर अवेलेबल है। और प्लस पॉइंट ये कि कैटेगरी इस तरह की है कि क्लोज स्ट्रीट है, मतलब घर जो है वो स्ट्रीट क्लोज है, आपको प्राइवेसी का मसला नहीं बनेगा और घर जो है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर जगह पे लोकेटेड है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी है, क्योंकि घर की डिटेल्स, डिमांड और तमाम तरह तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड सबके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अब चलते हैं इस ब्रांड न्यू 10 मल्ला डिजाइनर हाउस का विजिट स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसका का फ्रंट एलिवेशन है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी लग्जरी किस्म का इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट एलिवेशन पे कम्प्लीटली हमारे पास जो है वो रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 2 कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, एक डार्क ब्लैक कलर है और एक लाइट ग्रे कलर है। इसके अलावा जो टेरेस है हमारे पास, वहाँ पे स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है और जो गेट है वो कम्प्लीटली ब्लैक कलर के पेंट के साथ अवेलेबल है। तो ये ब्रांड न्यू 10 मल्ला का प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस है और एक ये डिज़ाइनर हाउस है। घर का जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की है। दोनों पोर्शंस की एंट्रेंस सेपरेट है, आप चाहें तो एक पोर्शन में खुद भी रह सकते हैं और आप एक पोर्शन को ईजिली रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो वीडियो आपने कंप्लीट एंड तक देखनी है। एंड इसके अलावा इस घर की जो प्रॉपर्टी आईडी है वो मैंने मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे कॉन्टैक्ट करके आईडी लाजमी इन्फॉर्म करनी है। एंड अब चलते हैं, विजिट कंटिन्यू करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं इसका गेट का डिज़ाइन है, काफ़ी ज़बरदस्त एंड काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म का इसका गेट का डिज़ाइन रखा गया है। ये हमारा जो गेट है स्लाइडिंग गेट है और ये हमारे पास ओपनेबल डोर है। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है इसका कार रैंप, जिसपे कम्प्लीटली टफ टाइल का इस्तेमाल हुआ है। और फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, 3 फेज मीटर है। गैस की सर्विस आप देख सकते हैं लग चुकी है, बस मीटर इंस्टॉलेशन बाकी है, वो भी इंशाल्लाह मीटर भी इंस्टॉल किया जाएगा। ये हमारे पास ग्रीन एरिया है और फुल डेवलप्ड है, फुल रेडी है और ये क्लोज स्ट्रीट है। घर के अंदर मूव करते हैं तो सबसे पहले वी हैव गॉट द स्पेशियस कार पोर्च ऑफ दिस हाउस। और कार पोर्च में आते साथ ही हम आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इसका व्यू आता है और एक गाड़ी आपकी यहाँ पार्क हो सकती है, 2 बड़ी गाड़ियाँ इजीली एट अ टाइम आपकी पार्क हो सकती हैं। तो ये साइड गली है, यहाँ से एक्सेस बैक लॉन्ड्री की तरफ जा रही है। सीलिंग की डिज़ाइनिंग डिसेंट एंड ज़बरदस्त किस्म की है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लोरिंग की, तो कम्प्लीटली हमारे पास यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग है फुल कार पोर्च में, जिसपे एक साथ हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर की स्कॉटिंग है। बाकी ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक अवेलेबल है, पानी की मोटर फिक्स्ड है और ये एलिवेशन का जो पार्ट है लेफ्ट साइड का पार्ट आपको भी दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर लें। काफ़ी ज़बरदस्त ने काफ़ी अमेजिंग तरीके से एलिवेशन को भी डिज़ाइन किया गया है। तो अगेन मूव करेंगे कारपोर्ट्स की तरफ, ये आप चेक कर लें। पहले हम जो है वो साइड गली का विजिट कर लेते हैं। यहाँ से एक्सेस हमारे पास जा रही है बैक लॉन्ड्री की तरफ, तो टैप्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो डोर है ये कनेक्टेड है किचन के साथ, तो घर के अंदर से आपको मैं इसका कम्प्लीट विजिट करवाऊँगा। एंड हम आ चुके हैं बैक साइड पे लॉन्ड्री की तरफ, तो सामने टैप्स अवेलेबल हैं, गीजर के पॉइंट्स रखे गए हैं। आपको इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ साइड गली से आपको कोई भी सर्वेंट हायर करते हैं आप, तो घर के अंदर एंटर यहाँ से होगा और यहाँ पे आप एक स्पायरल स्टेयर लगा दें तो एक्सेस सीधी छत पे होगी। घर के अंदर प्राइवेसी का मसला नहीं होगा, किसी भी किस्म की आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और अगेन आप ये टैप्स देख सकते हैं। इसके अलावा कारपोर्च में भी एक टैप फिक्स्ड है, अगर आपने कोई अपनी गाड़ी यहाँ पे धोनी है कार पोर्च में, कार वॉश के लिए आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ये एंट्रेंस डोर है ड्राइंग रूम का, डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, सॉलिड वुडन वर्क है, हाइटेड डोर है और दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, डबल डोर, हाइटेड डोर। चलते हैं घर के अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि ये लॉबी एरिया। अब ये जो लॉबी एरिया है ये मैं कनेक्ट कर रहा है मेन ग्राउंड फ्लोर के साथ, यही लॉबी एरिया हमें कनेक्टिविटी दे रहा है ऊपर सेकंड पोर्शन की तरफ। और ये हमारे पास सबसे पहले आ गया हमारा ये पाउडर वॉशरूम,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस घर को पोर्शन वाइज रेंट आउट करना चाहते हैं तो उस पार्टीशनिंग इसकी ऑलरेडी हुई हुई है, एक्सेस यहाँ से बिल्कुल सेपरेट है। और ये जो हमारा मेन डोर है ये डबल डोर है, ये भी हाइटेड डोर है जिसके अंदर टेम्पर्ड ग्लास का भी इस्तेमाल किया गया है। हम घर के अंदर चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हमारा ये मेन टीवी लाउंज। व्यूअर्स, ये फर्स्ट टीवी लाउंज है और यानी कि फर्स्ट लिविंग एरिया है। तो जो ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो हमारी सबसे पहले नज़र पड़ती है हमारी मेन वॉल पे। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो काफ़ी ज़बरदस्त इंप्रेशन पड़ता है इसका, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो मेन वॉल है काफ़ी बड़ी है और कम्प्लीटली हमारे पास अवेलेबल है फैंसी वॉल पेपर के साथ। तो काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी डेकोरेशन की गई है। सीलिंग की डिज़ाइनिंग आप चेक कर लें, अमेजिंग है। फानूस काफ़ी प्यारा लगाया गया है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग हुई हुई है। राइट साइड पे हमारे पास अवेलेबल है इसका एलईडी पॉइंट यानी कि मीडिया वॉल, और बाकी हमारे पास यहाँ पे पार्टीशनिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। ये एरिया हमारे पास ड्राइंग रूम का है और अगर आप इसकी पार्टीशनिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन अवेलेबल है, अदरवाइज अगर आप इसको ओपन भी रखते हैं तो चॉइस इज योर्स, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये आ गया हमारे पास इसका ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम की कनेक्टिविटी हमारे पास अवेलेबल है कारपोर्ट के साथ भी है, और हमारा जो मेन लिविंग एरिया है यानी कि मेन टीवी लाउंज है उसके साथ भी इसकी कनेक्टिविटी अवेलेबल है। ड्राइंग रूम की जो मेन वॉल्स हैं आप देख लें कि इन पे कंप्लीट वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसकी खूबसूरती में काफ़ी हद तक इजाफा कर रहे हैं। और अब हम आते हैं ड्राइंग रूम की सीलिंग की तरफ। तो सीलिंग की डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, सीलिंग फैन डल ब्लैक कलर का है, और जो हमारे पास ये पार्टीशनिंग की स्पेस से दी गई है इस पर कंप्लीट वुडन वर्क किया गया है। बाकी सिक्योरिटी सेंसर्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड है आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्लोरिंग की तरफ। तो फ्लोरिंग पे कंप्लीट हमारे पास टाइलिंग हुई हुई है, फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है और स्कॉटिंग भी ब्लैक कलर में है। तो अगेन हम चलते हैं इसके लाउंज की तरफ और अब मैं आप सबको इसका सेंट्रली रिव्यू करवा देता हूँ। और हर एंगल से रिव्यू करवाने का पर्पज़ ये होता है कि हाउस मैप के बारे में, हाउस प्लान के बारे में तफसीलात आपको अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो अभी हम सेंट्रली इसको रिव्यू कर रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं इसके मेन लिविंग एरिया में। ये आप देख लें, ये गैस पॉइंट भी दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी सेंसर इंस्टॉल्ड है। बाकी 2+3 का यूनिट है ये। 2 बेडरूम हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में है, एक किचन अवेलेबल है, टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम अवेलेबल है पाउडर वॉशरूम के साथ। और अगर हम बात करते हैं अपर पोर्शन की तो अपर पोर्शन में हमारे पास 3 बेडरूम्स अवेलेबल हैं अटैच वॉशरूम के साथ, किचन, टीवी लाउंज और 3 बेडरूम्स हैं जैसा कि आप सबको मैंने बताया। प्रोसीड करते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये आ गया हमारे पास हमारा पहला बेडरूम यानी कि फर्स्ट बेडरूम। मेन वॉल पे काफ़ी फैंसी वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, डार्क कलर में है। बाकी अब ये देखते हैं वार्डरोब्स, तो ये भी डार्क कलर में है तो थीम काफ़ी मैचिंग में आ रहा है। सीलिंग की हाइट काफ़ी ज़बरदस्त है, SK कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है और सीलिंग डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की है। फ्लोरिंग की तरफ अगर हम आते हैं तो कम्प्लीटली हमारे पास यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग है, फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है। लाउंज की फ्लोरिंग डिफरेंट है एंड यहाँ की फ्लोरिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। गैस पॉइंट रखा गया हमारे पास, एसी पॉइंट्स भी हैं और कर्टन रेलिंग के पॉइंट भी रखे गए हैं। बाकी सेफ्टी ग्रिल है, काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी हैवी है। हियर वी हैव द अटैच वॉशरूम जिसपे कम्प्लीट आप देख लें कि पोटा फिटिंग का इस्तेमाल हुआ है, कमोड भी व्हाइट कलर में है और टाइलिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई भी है। वेंटिलेशन के लिए हमारे पास विंडो भी है और एग्जॉस्ट फैन भी फिक्स्ड है। अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से मेन लिविंग एरिया का रिव्यू करवा रहा हूँ, या आप इसको वंस अगेन चेक कर सकते हैं। हेयर वी हैव द सेकेंड बेडरूम, ये भी एक अच्छे साइज का बेडरूम है और काफ़ी डिसेंट वॉल पेपर का इस्तेमाल किया गया है। एंड वार्डरोब्स कॉर्नर में, सीलिंग डिजाइनिंग, सीलिंग फैन, गैस पॉइंट अवेलेबल है, वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी ग्रिल के साथ, और विंडोज पे आप देखें कि सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं, सिक्योरिटी सेंसर्स। यह आ गया हमारा अटैच वॉशरूम, अगेन यहाँ पे पोटा फिटिंग का इस्तेमाल हुआ है, कमोड व्हाइट कलर में है और आप चाहें तो शॉवर एरिया की पार्टीशनिंग कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। अब मैं आप सबको दोबारा से ले आया हूँ मेन लिविंग एरिया में और अगेन आप सबको मैं इसका व्यू करवा रहा हूँ। तो 2 बेडरूम अवेलेबल थे हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में, हमने दोनों का कम्प्लीटली विजिट कर लिया। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। तो ये आ गया हमारे पास इसका किचन, ये फर्स्ट किचन है, ओपन किचन है, अमेरिकन डिज़ाइन किचन है। किचन की फ्लोरिंग डिफरेंट है, लिविंग एरिया की फ्लोरिंग डिफरेंट है और बेडरूम्स की फ्लोरिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो किचन के अंदर एंटर होती है आप देख सकते हैं कि जो किचन का मेन थीम है वो सेम ही है, अपर कैबिनेट्स प्लस लोअर कैबिनेट्स दोनों सेम कलर में हैं, सेम डिज़ाइनिंग में है। ये वॉल हमारे पास टाइलिंग वॉल है, ये हमारा डिश वॉशिंग एरिया है और ये हमारा कुकिंग एरिया है। एसेसरीज़ की बात करते हैं तो HS कंपनी के हमारे पास यहाँ पे हुड एंड स्टोव अवेलेबल है
और वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो है, एग्जॉस्ट फैन भी है, ये मिनी सीलिंग फैन, ये जो डोर आप देख रहे हैं ये कनेक्टेड है साइड गली के साथ। कोई भी को घर में हायर करते हैं तो एंट्रेंस बिल्कुल सेपरेट होगी, घर के अंदर प्राइवेसी का मसला नहीं बनेगा। तो अब मैं आप सबको बताता चलूं कि हमने ग्राउंड पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया है। 2 बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ, किचन, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम विद पॉडर वॉशरूम। तो चलते हैं अपर पोर्शन की तरफ। तो लाइक एसेट के ये ब्रांड न्यू 10 मल्ला डिज़ाइनर हाउस है और इस घर की जो डिमांड है, जो ऑनर की तरफ से आस्किंग प्राइस है, वो है 3 करोड़ 20 लाख रुपीज़। 3 करोड़ 20 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है, बट ये नेगोशिएबल डिमांड है। सो हम आ चुके हैं इसके अपर पोर्शन में। तो सबसे पहले आप सबके साथ मैं एक क्विक ओवरव्यू शेयर करता चलूं कि इन सेज के थ्रू अभी हम ऊपर आए हैं और यहाँ से एक्सेस जा रही छत की तरफ। पहले आप ये मेन वॉल देख लें कि ये वॉल है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है फैंसी वॉलपेपर के साथ। और ये मेन स्विच बोर्ड है। एक बेडरूम ये हमारे पास दो उस तरफ हैं, ये हमारा लाउंज है और ये किचन है। तो पहले हम किचन को देख लेते हैं। सो ये आ गया हमारे पास इसका सेकंड किचन, ये भी ओपन किचन है, सेम उसी डिज़ाइनिंग में है, सेम उसी स्टाइलिंग में है, सेम उसी थीम पे है। अपर कैबिनेट्स प्लस लोअर कैबिनेट्स दोनों सेम डिज़ाइनिंग के साथ अवेलेबल हैं। HS कंपनी की होम अप्लायंसेस अवेलेबल हैं। ये हमारा कुकिंग एरिया इस साइड पर आ गया, डिश वॉशिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है, वेंटिलेशन के लिए दोनों ऑप्शन हैं। सो अब आप सब अगेन सेकंड लाउंज को यानी कि सेकंड लिविंग एरिया को रिव्यू कर लें। दोनों जो लाउंज है हमारे पास वो काफ़ी स्पेशियस है। इस घर में स्पेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। इस घर में प्रॉपर मैप बनाया गया है, इसका काफ़ी अच्छा मैप है। इस घर का इंटीरियर जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है और हर एक चीज़ ऑन पॉइंट है। बाकी आप देख लें कि डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि आप हमें ऐसे भी घर दिखाएं जो कि फुल डेकोरेटेड हों, अच्छी उनकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। ये आप देख लें सीलिंग की डिज़ाइनिंग, डल ब्लैक सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है, फानूस काफ़ी प्यारा है। सामने हमारे पास सेम उसी तरह LED पॉइंट है, टाइल फ्लोरिंग है, स्कॉटिंग ब्लैक कलर में है। तो देख लेते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम को। ये हमारे पास आ गया हमारा फर्स्ट बेडरूम, एक अच्छे साइज का बेडरूम है और मेन जो वॉल है हमारी उस पर काफ़ी अमेजिंग वॉलपेपर का इस्तेमाल हुआ हुआ है। कॉर्नर में वी हैव द वार्डरोब्स जो कि फुली हाइटेड हैं और सीलिंग की डिज़ाइनिंग, SK कंपनी का सीलिंग फैन एंड ये है इसकी टाइल फ्लोरिंग, स्कॉटिंग ब्लैक कलर में है। इस तरफ हमारे पास अवेलेबल है इसका अटैच वॉशरूम जिसमें पोटर फिटिंग का इस्तेमाल हुआ हुआ है। कमोड देख लें वाइट कलर में और वेंटिलेशन के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। तो चलते हैं दोबारा से लाउंज की तरफ और अब आप सबको मैं एक दूसरे एंगल से जो हमारा मेन लिविंग एरिया है, जो मेन टीवी लाउंज है, उसका रिव्यू करवा रहा हूँ। ये आप चेक कर लें और ये आ गया हमारा सेकंड बेडरूम। इसकी आप डिज़ाइनिंग देखें काफ़ी ज़बरदस्त है। इस तरफ वॉल पे सिंपल पेंट है और ये जो मेन वॉल है हमारी इस पर कम्प्लीटली वॉलपेपर का इस्तेमाल हुआ हुआ है। वार्डरोब्स भी अवेलेबल हैं सेम एज इट इज़, सीलिंग डिज़ाइनिंग, SK कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है। सो ये आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, पोटा फिटिंग का इस्तेमाल है हमारे पास यहाँ पे। कमोड भी वाइट कलर में है, पोटा का कमोड है, टाइलिंग जो है वो यहाँ तक अटैच्ड है और वेंटिलेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है इस वॉशरूम में। तो अब मैं आप सबको इस वॉशरूम के एंगल से रिव्यू करवा देता हूँ मेन लिविंग एरिया का। ये आप इसको चेक कर सकते हैं, वॉल पे काफ़ी ज़बरदस्त डेकोरेशन हुई हुई है। तो किचन हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। सो ये आ गया हमारे पास इस घर का लास्ट एंड फिफ्थ बेडरूम। ये आप देख लेंगे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको भी डेकोरेट किया गया है, वॉलपेपर, वार्डरोब्स और टाइलिंग सेम थीम में है, डार्क कलर्स हैं, तो कम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। काफ़ी बड़ी वेंटिलेशन विंडो है, उसके साथ हमारे पास सेफ्टी ग्रिल अवेलेबल है और कॉर्नर में हमारे पास गैस पॉइंट है। ये आप देख लें सीलिंग डिज़ाइनिंग, अगेन SK कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है हमारे पास यहाँ पे। और फ्लोरिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की फ्लोरिंग जो है वो डार्क कलर की फ्लोरिंग है, डार्क टाइलिंग हुई भी है, जो कि मेन फ्लोरिंग से कम्प्लीटली डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। तो जो टेरिस है वो इसी बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। तो पहले हम इसका वॉशरूम देख लेते हैं। ये इसका वॉशरूम, अच्छे साइज का वॉशरूम है और अब चलते हैं टेरेस की तरफ। डबल डोर है टेरेस का भी, स्टेप्स अवेलेबल हैं। बाकी आप देख लें फ्लोरिंग सेम वही है जो हमारे पास कार पोर्च में है। बाकी ये स्ट्रीट क्लोज्ड है, आप देख सकते हैं गली का आखिरी घर है ये। छत से आपको प्रॉपर इसका व्यू करवाऊंगा, आपको बेटर तरीके से लोकेलिटी का भी आइडिया हो जाएगा।
सो व्यूअर्स, आप सबको बताता चलूं कि इसी के साथ साथ हमने इस ब्रांड न्यू 10 मल्ला डिजाइनर हाउस के दोनों पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया। 5 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम। रिमेनिंग हमारे पास रहेगी इस घर की छत। तो छत पे वी हैव ऑब्वियसली सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम, उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली कॉर्नर हाउस है और डेड एंड स्ट्रीट है और गली का आखिरी घर है ये। तो आपको बेनिफिट ये है कि घर के साथ किसी किस्म का प्राइवेसी का मसला नहीं होगा, सेफ्टी वाइज कोई इशू नहीं होगा और लोकेलिटी बहुत पीसफुल है। अब हम आ चुके हैं छत पे, यानी कि रूफ टॉप पे। सबसे पहले आप देख लें कि स्पेशियस छत है और चिप्स की फ्लोरिंग है सारी की सारी। पानी की टंकी है इस तरफ, हाउस कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली भी रह रही है, सामने भी घर बना हुआ है। सेवन क्वार्टर में मार्बल की फ्लोरिंग है और यह है इसका अटैच वॉशरूम। घर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, छोटी मोटी फिनिशिंग रिमेनिंग है, तो घर कंप्लीट करके आपके हैंड ओवर किया जाएगा। तो ये आप देख लें कि डेरन स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट है, आपको एक्स्ट्रा कार पार्किंग स्पेस मिल जाती है और प्राइवेसी वाइज आपको मसला नहीं होगा। बाकी फुल डेवलप्ड एंड पॉपुलेटेड एरिया में घर ही अवेलेबल है। तो इसी के साथ साथ विजिट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट घर की वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।